फ्रेंड्स, अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लिथान। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? आमिर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पमीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जिसे अब नीति आयोग का नाम बदल दिया गया। ठीक है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन। ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर से। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। पानी की बूंदों में गोला। इंग्लिश चैनल पार करने प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। ठीक है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और पारदर्श के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? माध्यम की निर्वात के किस रंग में प्रकाश का प्रकरण सबसे अधिक होती है? बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। आकाश के तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। टाँका धातु या शोल्डर में किस धातु का निर्माण किया जाता मिश्र होता है? टीना या व शीशा का। ग्लाकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है? आँख में। ठीक है। ग्लूकोमा। विश्व की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सिनेवर किस धातु का अयस्क है? पारा। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन। प्लेग का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। ठीक है। मछलियों के एकत्रित तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की।